कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, घर से निकलते समय हमें कई ऐसी चीजें दिख जाती हैं, जिसके बाद हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ये चीजें बुरे संकेत के तौर पर देखी जाती हैं। माना जाता है कि घर से निकलते समय जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर देती हैं। बताया जाता है कि इन चीजों का खास मकसद होता है और ये हमारे जीवन पर भी काफी असर डालती है। ऐसे में इन चीजों के देखकर रास्ता बदल लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रास्ते में कौन सी चीजें दिखना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं। घर से निकलते वक्त अगर आपको रास्ते में किसी व्यक्ति के स्नान के बाद फैला हुआ पानी दिखाई दे, तो तुरंत पीछे होकर दूसरी ओर से अपना रास्ता बना लेना चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद फैला हुआ पानी गंदा और अपवित्र होता है और इसके ऊपर से गुजरना अशुभ माना जाता है। विष्णु पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस पानी के संपर्क में आने से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी आपको ऐसा पानी दिखे तो इससे दूर होकर ही चलें। आपको बता दें कि अगर आपको रास्ते में बाल दिखाई दे तो इससे दूर होकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि इन्हें लांघना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा रास्ते में चलते वक्त अगर हमें कोई भी नुकीली वस्तु या फिर कांटे दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर ही चलना चाहिए। कांटों को अशुभ तो नहीं माना जाता है, लेकिन परेशानी देने वाला माना जाता है। रास्ते में भस्म दिखाई दे तो इससे भी दूर होकर ही निकलना चाहिए। यज्ञ हवन से प्राप्त भस्म पवित्र होती है और यदि इस पर पैर लगता है तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन भस्म के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कूड़ा कचरा या गंदगी आपको दिखाई दे तो उससे भी दूरी बना कर ही रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस गंदगी के संपर्क में आने से पवित्रता भंग हो जाती है। तो वहीं अगर आपके रास्ते में कहीं किसी मृत प्राणी की हड्डियां सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दे तो उससे दूर होकर रास्ता पार करना चाहिए, क्योंकि मृत प्राणी की अस्थियों के संपर्क में आने के बाद इंसान अशुद्ध हो जाता है और हम नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आ सकते हैं। यही नहीं, सड़क पर किसी जानवर या पक्षी का मृत शरीर या हड्डियां दिखना भी अशुभ माना जाता है। सड़क हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मार्ग जरूर दिखाती है, लेकिन साथ ही इसी सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क पर कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कई बार जानवरों जैसे कुत्ते, सांप आदि की मौत हो जाती है। ऐसे में मृत प्राणी की हड्डियां सड़क पर बिखरी दिखाई देती हैं, तो उनसे दूर होकर रास्ता पार करना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।